हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटेक नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना घर बैठे ईमेल अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों अधिकतर अपन कोई अपना डॉक्यूमेंट्स जेपीजी या पीडीएफ फाइल से एक से दूसरे आदमी को पास भेजते हैं मोबाइल पर, तो अपने व्हाट्सएप के अलावा जीमेल अकाउंट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो यार अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की ताज़ा ताज़ा जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप गूगल पे जीमेल टाइप करोगे तो जैसे आप यूआरएल बॉक्स में या अपने मोबाइल पे गूगल पे जीमेल टाइप करना है, जैसे आप जीमेल टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे जीमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपने जीमेल टैब पे क्लिक कर देते हो, जैसे दोस्तों आप जीमेल पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो फॉर माई सेल्फ का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैं अपना नाम ये डाल देता हूँ, यूजर नेम आपको डाल देना है। जैसे भी आपका यूजर नेम हो, आप जो भी यूजर नेम से बनाना चाहते हो वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको @gmail.com ये डाल देना है। इसके अलावा भी आप कुछ और भी बना सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ये डाल देना है पासवर्ड में। दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड वही डालना है, उसके बाद में कन्फर्म पासवर्ड पे आपको वही पासवर्ड दोबारा डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे फोन नंबर डालने होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हो तो आपके सामने कुछ नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से नया पेज ओपन हो जाता है और उस पर जी कोड आ जाता है। तो आपको जी कोड डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक कर देते हो तो आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाले वीडियो की ताज़ा ताज़ा जानकारी। और दोस्तों आपको यहाँ पे रिकवरी मेल, जो भी आपकी रिकवरी मेल डालना चाहते हो रिकवरी मेल डाल सकते हो। ये ईमेल भी आप कोई भी मेल आप यहाँ पे जो अपनी ईमेल डालना चाहते हो रिकवरी मेल में डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद में आपको जेंडर जैसे आप मेल और फीमेल वो आपको डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यस आई एम इन इस पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यस आई एम इन पे क्लिक कर लेते हो तो ये टर्म्स कंडीशन आ जाती है, प्राइवेसी एंड टर्म्स कंडीशन। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आई एग्री क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप आई एग्री क्लिक कर देते हो तो आपकी ईमेल सक्सेसफुल क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों ईमेल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार अपना जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप घर बैठे अपना अकाउंट जीमेल अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों अधिकतर अनदर आप कोई भी मित्र शॉप पे या अदर शॉप पे जाते हो तो आपसे कम से कम 20 रुपये इस ईमेल अकाउंट बनाने के ले लेते हैं। तो दोस्तों आप ये भी इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो यार अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है
उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। और दोस्तों ईमेल अकाउंट संबंधी हर एक प्रकार की वीडियो में बनाता रहता हूँ और सरकारी वैकेंसी रिलेटेड भी वीडियो में बनाता रहता हूँ, तो उन वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।